मैं चाहूँगा कुछ लोकल फूड ट्राई करने ये बिल्कुल सामने अग्रवाल स्वीट्स है। सेम रोटी मिलेगा? सेम रोटी मिलेगा। कितने का है? 100 रुपये एक प्लेट दे दीजिए। 50 रुपीज आलू दम और सेम रोटी का पूरे पैकेट। ये सेल रोटी है यहाँ की, फेमस है यहाँ पे, अग्रवाल स्वीट्स पे आया है इस टाइम एंड इसे दम आलू के साथ खाया जाता है। ऑल दो ट्राई कर चुका हूँ, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। मेरे को लगा था कि मीठा होगा क्योंकि ये जलेबी जैसा टेस्ट दे रहा है, लेकिन अच्छा है और इसको दम आलू के साथ सर्व किया जाता है। अभी जब इंडिया की अब फुली ऑर्गेनिक स्टेट में आए हैं, दी ओनली फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, तो एक राउंड तो बनता ही है ना वेजिटेबल मार्केट का। तो पहुंच गए हैं वेजिटेबल मार्केट, लोकल वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ऑल दो खा तो नहीं सकते ना बना सकते हैं, एटलीस्ट कुछ जानने को मिलेगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। साथ के साथ बने रहिए मेरे साथ। ये चिली है ना, भूत जोला क्या? हाँ, रेड चिली। ओके, ये लाल मिर्ची है? और ये हमारा भाई अजय, ये हॉस्टल में मिला मेरे को एंड सीरियसली वो कहते हैं ना बैकपैकर कम्युनिटी के साथ मजा आ जाता है। और अभी हम एक साथ हैं लगभग 2 दिन से है ना, और आने वाले नॉट ट्रिप भी करेंगे एंड शी इज नेहा, शी इज फ्रॉम बॉम्बे। You want me to add this? edited. तो कुछ दोस्त बने हैं एंड वो कहते हैं ना घूमने का मजा तभी है जब आप बाहर जाके और भी लोगों से मिलेंगे एंड इंटरेक्ट करेंगे। सीरियसली इस हॉस्टल ने ऐसा मजा दिया है, ऐसी ऐसा समा बंधा सबके साथ कि रियली बहुत ही ज्यादा मजा है। ये आए हैं आपका देश में, हम गया अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर? वो मेरा देश थोड़ी है, वो तो आपका भी देश है। अच्छा, मैं वैसे जम्मू से हूँ। अच्छा। जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा। ये भाई है बेंगलोर से। बेंगलोर से। अच्छा। और ये बहन है मुंबई से। ओके, नहीं बहुत अच्छा जाना चाहिए। चलो, ये क्या है? छुपी छुपी चीज, चीज मिल्का बनता है ना, ये तीनों याक मिल्का मिल्का है, ये सब याक मिल्का है। ये याक मिल्का है? वो नहीं, वो काऊ का है। इसको ये चीज है काऊ मिल्का। हाँ, वो टॉफी जैसा है ना। एंड ये याक मिल्का? वो ये भी याक मिल्का। इसको हम ऐसे रॉ खाते हैं? ऐसे ऐसे सुपारी टाइप टॉफी टाइप। टॉफी टाइप। ये मीठा होता है क्या? नहीं नहीं, दूध के साथ मीठा चाहिए तो ये लीजिए। What is this? ये तो पनीर लग रहा है। पनीर नहीं है। नहीं, सही में ऐसा लग रहा है कि पनीर को अभी हम तंदूर में रखेंगे और पनीर टिक्का बन जाएगा। यहाँ का बेस्ट चीज है, छुट्टी बोलते हैं इसको। इसको? ये सब छुट्टी बोलते हैं, यहाँ से सिक्किम का बेस्ट चीज यही है। चीज़ हो? इस सबको छुट्टी बोलते हैं। ऑल राइट। ये मीठा होता है खाने में? दूध कैसा होता है? अच्छा, तो हम ट्राई कर सकते हैं? चलो थैंक यू। ये याक का है चीज एंड वो जो आपने ये भी याक का है, वो सॉफ्ट क्यों लग रहा है? ये सॉफ्ट ही है ना, सॉफ्ट ही होता है। ये भी फिर याक का जो चिप पाउडर बना कर रखता है ना, वो पाउडर भी उसमें डाल के सभी भाई बोलता है, ये दोनों एक ही है। इसको दूध के साथ भी खाते हैं? नहीं, ऐसे ही खाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, हम ट्राई करते हैं। दिस इज छुरपी। हाँ, ऐसे नहीं हो आप तो। आपको इसको मेल्ट करना पड़ेगा। नहीं, जस्ट मैं हूँ एमजी मार्ग में और किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे गोल्डन टिप्स नाम से एक चाय वाला कैफ़े है या काउंटर है, जो भी है, जाके ज़रूर ट्राई करना। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स की वैरायटी है चाय की, तो चलो चलते हैं गोल्डन टिप्स और आपके साथ भी शेयर करते हैं कैसी चाय है और क्या है एक्चुअली, अंदर चल के आपके साथ बात करते और बताते हैं। अभी
अभी क्या फ़र्क है इस चाय के बीच में? जैसे ये सब अलग अलग गार्डन का है, अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग प्लांटेशन का है। जैसे ये रेगुलर वाला जो देख रहे हैं, एक डे में हार्वेस्ट होता है, बट इसका थोड़ा लोअर एलिगेशन का है। ओके okay. और जितना हाई क्वालिटी का देखेंगे, इतना हाई क्वालिटी हाई एलिगेशन से क्वालिटी भी एंड प्लांटेशन दोनों अलग अलग। ये सब के सब वाइट टी है? हाँ, सब के सब वाइट टी है। इस साइड में जो देख रहे हैं, ये सब फ्लेवर ग्रीन टी है, ब्लैक टी, इंडियन टी है, इंडियन टी है। आपका सब जो देख रहे हैं, आप एक सुपर स्पेशल वाइट टी ट्राई करवाइए। ओके सर, तो अभी गोल्डन टिप्स में हो। एंड ये यहाँ पे देखा था चाय बार है, दिस इज टी बार। एंड बहुत ही अलग तरह की चाय है, इतनी चाय है, इतने फ्लेवर्स है कि हिसाब ही नहीं। सोचा एक ट्राई करते हैं। अभी तो फिलहाल वाइट टी ऑर्डर करने को बोला है। कुछ ऐड तो नहीं किया है, जो एक्चुअल जो नेचुरल जो होता है चाय वो ये। बट ये आपका क्या है, आपका बीटर नहीं होगा। एंड इतना स्मूथ है, क्या नहीं होगा, बीटर नहीं होगा। जैसे बीटर हो, जैसे ज़्यादातर अच्छा। ब्लू कलर में बीटर होता था ना, इसमें वो बीटरनेस नहीं आएगा आपको। अच्छा। एंड क्या है, अभी ये लीफ एक बार बनाने के बाद सेम लीफ डेली में यूज़ भी हो जाएगा। जैसे आपको ये लीफ जो बना कर दिया है ना, वो लीफ आप चाहे तो आप डेली में यूज़ भी बना सकते हैं। अभी वो देंगे आप साथ में? नहीं, ऐसे नहीं देते हैं हम लोग। जैसे तो एक बार आपके आप बाय करेंगे तो आप घर में ले जाकर डेली में यूज़ कर। इसका जिस लीफ से चाय बनती है वो तीन बार यूज़ हो सकता है? एक बार बनाने के बाद सेम लीफ डेली में यूज़ होगा। ओके। एंड ये जो चाय देख रहे हैं आपको, मून लाइट में हार्वेस्ट होता है। इसमें होता है हार्वेस्ट? मून लाइट है, जो चांद की रत्नी होता है। हाँ? चांद के लाइट में हार्वेस्ट होता है, मून लाइट में, डे में नहीं होता है। ओके, थैंक यू। ये वाइट टी है, पहली बार ट्राई किया है। एंड लुक समवॉट लाइक ग्रीन टी, लेकिन इसके हर्बल्स और नेचर सब अलग है। क्योंकि न्यू ईयर का माहौल है, 31 की इवनिंग है और शाम को मैं अपने हॉस्टल में जाके पार्टी ना करूं तो फ़ायदा क्या मेरा। जिस थंबनेल को देख करके आप लोगों ने क्लिक किया है तो वो तो आपको मिला नहीं अभी तक, तो आप तो उसी के लिए ढूंढ रहे होगे, तो सोचा आपको वो भी जाते जाते दिखाते जाते हैं। तो जी, ये है हॉस्टल। हॉस्टल में मैं पार्टी कर रहा हूँ आज। आज 31st ईव है और आज न्यू ईयर की नाइट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चलो देखते हैं। आज तक तो अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ मनाया है, अभी हर कोई अकेला, हर कोई अलग, हर कोई अलग स्टेट से। देखते हैं कैसा न्यू ईयर होता है। आपका जोर ना, जोर भी देखेंगे, जो भी देखेंगे ये वीडियो उसको वेलकम में, ये हॉस्टल में, क्योंकि ये हॉस्टल जो भी आएगा उसको जानेगा, पसंद नहीं आएगा। चलो, थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस हॉस्टल।